जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों आप सबके काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो आज की वीडियो में आप सबके काफ़ी कमेंटों को कवर किया जाएगा और दोस्तों पांच पॉइंटों की बात करेंगे हम। तो दोस्तों पांच पॉइंट क्या है, तो दोस्तों पांच पॉइंट ये है कि फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है कि जयपुर होमगार्ड की भर्ती जो चल रही है उसका क्या शेड्यूल है। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो जयपुर होमगार्ड की भर्ती के अंदर अदर स्टेट वालों ने काफ़ी अप्लाई किया है, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये भी हम बताएंगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो जयपुर होमगार्ड की जो भर्ती चल रही है वो ख़त्म कब होगी, फाइनली डिसीजन उस पर हम बताएंगे। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो जयपुर होमगार्ड की जो भर्ती चल रही है उसका रिजल्ट कब आएगा ये भी हम बताएंगे। और पांचवें पॉइंट की बात करेंगे जो नई भर्ती है जिसपे हमने कल वीडियो बनाएगी उसके बारे में हम पूरा बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ सके। और दोस्तों लाइक का बटन दबाना भी ना भूले क्योंकि जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आपको कोई नहीं आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेगी क्योंकि होमगार्ड से रिलेटिव आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप लाइक करते रहते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो जयपुर होमगार्ड की भर्ती है उसका क्या शेड्यूल है। तो दोस्तों शेड्यूल ये है कि उसके अंदर आपको 8 बजे आपको एंट्री दी जाएगी। एंट्री के दौरान आपका मेडिकल और एडमिट कार्ड और मूल निवास ये सब चेक किए जाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर ये भी चेक किया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र वालों को हैंड टू हैंड बार कर दिया जाएगा क्योंकि जो भर्ती है वो शहर वालों के लिए है, सिर्फ अर्बन होमगार्ड की जो भर्ती है। और दोस्तों सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो जयपुर होमगार्ड की भर्ती जो अंदर चल रही है उसके अंदर अदर स्टेट वालों ने काफ़ी अप्लाई किया है, जैसे कि हरियाणा है, यूपी है और भी आसपास के स्टेट वालों ने काफ़ी अप्लाई किया है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है। तो दोस्तों आप मत जाइए क्योंकि जो होमगार्ड की भर्ती है वो सिर्फ राजस्थान होमगार्ड की है, जो राजस्थान निवासी क्षेत्र है उन्हीं के लिए है, अदर वाले नहीं जा सकते हैं इसके अंदर क्योंकि जो होमगार्ड की भर्ती है सिर्फ राजस्थान निवासियों के लिए है। और दोस्तों जयपुर होमगार्ड की भर्ती के अंदर कई लड़कों ने ये भी सोचा था कि सर जो होमगार्ड की भर्ती है उसके अंदर काफ़ी वैकेंसियां थी तो पदों की ज़्यादा संख्या देखी जाए तो जयपुर में काफ़ी पद थे इसलिए हमने जयपुर में अप्लाई किया, क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आप भी मत जाइए क्योंकि जो होमगार्ड की भर्ती है सिर्फ स्टेट वालों को ही लेगी क्योंकि होमगार्ड के अंदर जो जैसे कि जयपुर वाले हैं तो जयपुर के निवासी जयपुर की होमगार्ड में जा सकते हैं, गंगानगर के निवासी गंगानगर होमगार्ड की भर्ती में जा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो जयपुर होमगार्ड की भर्ती चल रही है वो खत्म कब होगी। दोस्तों वो खत्म हो जाएगी 8 मार्च को, फाइनली खत्म हो जानी है होमगार्ड की जो भर्ती है। उसके बाद बात करते हैं जयपुर होमगार्ड का जो फोर्थ पॉइंट है उसकी बात करते हैं हम, जयपुर होमगार्ड में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट की कब आएगा। रिजल्ट दोस्तों आपका मार्च के लास्ट वीक में आ सकता है या अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर तो रिजल्ट आपका आने ही आना है। तो दोस्तों रिजल्ट भी आपका मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनली जो पांचवा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर नई भर्ती की हम बता रहे हैं। तो दोस्तों बजट के अंदर 1.5 लाख पद पर भर्ती करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये जो 1.5 लाख पद है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग फील्ड के अंदर वैकेंसी हैं, पद हैं खाली है। तो होमगार्ड के अंदर जो पद हैं वो 10,000 पद हैं। तो दोस्तों 10,000 पदों पर होमगार्ड की वैकेंसी करवाई जाएगी। तो दोस्तों आप ये जो इसकी डेट वगैरह अनाउंस नहीं की है, बस यही एक निश्चित दिया है कि 2022 के अंदर होमगार्ड की 10,000 पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। तो दोस्तों होमगार्ड की जो भर्ती है वो 10,000 पदों पर करवाई जाएगी। कितनी सीटें हैं, क्या कुछ है, अर्बन में कितनी है, बॉर्डर में कितनी है, ये सभी अभी कुछ नहीं बताया गया है। बस सिर्फ यही बताया गया है कि 2022 के अंदर अभी भर्ती होगी 10,000 पदों के लिए। और दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट कर सकते हो और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक आ सके, आप वीडियो को जल्दी से देख सकते हो। और दोस्तों लाइक का बटन भी दबाना ना भूले। और दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इसी के साथ अलविदा, जय हिंद।